आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कांस्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है। साथ ही साथ कांस्टेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के हम प्रोग्राम भी बनाएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट एक एंटिटी है जो फिक्स वैल्यू को रेफर करता है एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। आप सिंपली कह सकते हैं कांस्टेंट इज एन वेरिएबल। कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। तो इसका एक और डेफिनेशन होता है कांस्टेंट का। तो सेकेंड डेफिनेशन होता है कांस्टेंट्स आर डेटा वैल्यूज दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कांस्टेंट एक डेटा वैल्यू होता है जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, मतलब चेंज नहीं करता प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में। इसका जो एक वैल्यू हम सेट कर देते हैं वही वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, बिफोर द एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम के रिजल्ट आने के बाद भी सेम वैल्यू रहेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी वैल्यू को हम फिक्स करने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है कांस्ट। इसी कीवर्ड का यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं वेरिएबल में, या फिर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं जिसकी वैल्यू को हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की, कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप्स लिखेंगे कि कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले जो है वो है इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर्स आर द होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। यानी ऐसा नंबर जो बिना फ्रैक्शनल पार्ट के होता है उन सभी नंबर्स को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे 10.2 ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। इस नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे वो इंटीजर नंबर होंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो। सेकंड टाइप होता है हमारा कैरेक्टर इंटीजर। तो कैरेक्टर इंटीजर क्या होता है, मतलब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। सेकेंड होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। तो ये क्या होता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर वन और टू कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। एक या फिर दो कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में लिखा हो वही होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। थर्ड होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। तो ये क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर रियल नंबर्स वेयर रियल नंबर्स हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट में होते हैं। जैसे 10.2 तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और यही फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है। इसे हम दो भाग में बांटते हैं, फ्लोट और डबल, और इंटीजर वाले को भी हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो फोर्थ आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज टर्मिनेटेड बाय नल। तो अगर जैसे हम कोई डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे हम मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो ये जो डबल कोट्स में स्ट्रिंग है इसका लेंथ 6 है, 6 कैरेक्टर लॉन्ग है, क्योंकि लास्ट में जो नल कैरेक्टर से स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसे किसी वेरिएबल में असाइन करके कांस्ट कीवर्ड से कांस्टेंट कर देंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम के समय, हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन सभी टाइप्स के
एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि इनका प्रोग्राम कैसे बनता है और कैसे इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब हम कॉन्स्टेंट के फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे, यानी इंटीजर कॉन्स्टेंट का प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने वॉइड मेन फंक्शन लिखा है अपने प्रोग्राम में, जो कि हर प्रोग्राम के लिए कंपलसरी होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का। इंट वेरिएबल का नेम दे देता हूँ मैं ए, और इसमें मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 100। तो ये इसमें वैल्यू सेट हो गया, लेकिन हमें इस वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो डेटा टाइप से जस्ट पहले हम कॉन्स्ट लिख देंगे। तो ये जो ए वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट हो गया है, इसमें जो 100 वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, यानी इसमें अब 100 फिक्स हो गया। अब इस ए का वैल्यू 100 ही रहेगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम तक। तो चलिए अब CLR SCR लिखते हैं हमारा कंसोल, ताकि क्लियर रहे। अब इस वेरिएबल को सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, और ए को हम प्रिंट कर दिए। अब गेट CSS प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, ये हमारे स्क्रीन को होल्ड करेगा। तो अब इसे सेव करके क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इसे रन करने के लिए आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है, तो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 प्रिंट हो गया, जो कि ए नाम के वेरिएबल में हमने असाइन किया था। अब हम चाहते हैं कि इस ए वाले वेरिएबल में कुछ दूसरा वैल्यू सेट किया जाए, यानी इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 120। तो अब इसे रन करा के देखते हैं कि ये वैल्यू मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं। फिर कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, तो ये हमें एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो कॉन्स्ट वेरिएबल ए है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये कॉन्स्टेंट डिक्लेयर हो गया, तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कॉन्स्ट वेरिएबल में भी हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म कराएं, तो आप पॉइंटर यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप करेंगे जिसका नाम है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे, और सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं कैर लिख देता हूँ, और इस ए वाले वेरिएबल में मैं एक सिंगल कोट्स में कैरेक्टर लिख देता हूँ कैपिटल ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ए को, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वही रिजल्ट। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए %c। अब इसे सेव करके क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। तो अभी तो इसका रिजल्ट ए आएगा कैपिटल है, जो कि एकदम करेक्ट रिजल्ट है। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें बी असाइन कर दें। ए वाले वेरिएबल में जो कॉन्स्ट वेरिएबल है उसमें हम चाहते हैं कि बी वैल्यू को असाइन कर दें। तो अब इसे रन कराते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है ए हमारा, तो ये फिर से एरर देगा कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्ट वेरिएबल है। लेकिन अगर ये कॉन्स्ट वेरिएबल ना होता तो ये मॉडिफाई हो जाता आसानी से। जैसे मैं यहाँ से कॉन्स्ट कीवर्ड हटा देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, बी को प्रिंट करेगा। देख सकते हैं आप, बी को प्रिंट कर दिया। तो कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो अब इसी तरह हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, डेटा टाइप चेंज करेंगे और वैल्यू को भी चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 3.14, और यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ फ्लोट, और यहाँ पे उस वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे। उससे पहले मैं वेरिएबल को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब तक हम कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे हमारा ए वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगा, उसे हम मॉडिफाई कर सकेंगे। तो अभी मैंने इसे कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ये 3.14 प्रिंट करके देगा, परसेंट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने फ्लोट के लिए चेंज किया। तो अभी 3.1440 ये फ्लोट वैल्यू के लिए रिजल्ट आया हमारा, जो कि एकदम करेक्ट रिजल्ट है। अब हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल ए है उसमें हम दूसरी वैल्यू को सेट करें, एक और वैल्यू सेट करें। तो उसके लिए मैं फिर से ए में अनदर वैल्यू सेट कर देता हूँ 12.56।
अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ये रन करता है कि नहीं, तो ये फिर से एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा क्योंकि ए नाम का जो वेरिएबल है वो एक कॉन्स्ट वेरिएबल है और हमने उसे चेंज करने का कोशिश किया, इसीलिए ये हमें एरर शो कर रहा। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है 3.14। अब हम जानेंगे फोर्थ टाइप्स कॉन्स्टेंट का, यानी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, और एक एरे बनाएंगे और एरे का साइज दे देते हैं 10। और इस डबल कोट्स के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, सपोज़ मैं एक यूज़र का नेम लिख देता हूँ अंकित। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस वेरिएबल को हम, इस वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज करना होगा हमें, क्योंकि हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए इसे रन कराते हैं सेव करके, तो हमें रिजल्ट में मिलना चाहिए स्ट्रिंग जो हमने असाइन किया वेरिएबल में, वही हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल गया। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें दूसरी स्ट्रिंग को असाइन किया जाए। फिर से हम क्या करेंगे, उस एरे वेरिएबल को लिखेंगे और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग हम असाइन करना चाहेंगे, अनदर स्ट्रिंग इज अंकुश, किसी सेकेंड यूज़र का नेम। तो अब इसे फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, तो ये हमें फिर से एरर देना चाहिए कि हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए नाम का जो एरे वेरिएबल है जिसमें हमने अंकित नाम का स्ट्रिंग असाइन किया है वो कॉन्स्टेंट हमने डिक्लेयर कर दिया, तो उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये सिंपली था कॉन्स्टेंट के टाइप्स का प्रोग्राम। हमने आपको इंटीजर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग एंड फ्लोट कॉन्स्टेंट, इन चारों टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट के डेफिनेशन को भी अच्छे से समझाया और उनके प्रोग्राम्स को भी करके दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉन्स्टेंट क्या होता है और कॉन्स्टेंट का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।